नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस पे। यूपी टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो सबसे ज़्यादा टीजीटी में है। पीजीटी में तो क्रिस्टल क्लियर है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड कंपलसरी नहीं है पीजीटी के लिए, लेकिन टीजीटी के लिए बीएड आपका कंपलसरी है। सिर्फ कला आर्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए कंपलसरी है बीएड। लेकिन बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर दिक्कत में आ रहे हैं और बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर किस सब्जेक्ट से हम फॉर्म डाल सकते हैं, अगर हमने 2 साल ये पढ़ा है, लास्ट ईयर में मैंने ये स्किप कर दिया है। तो जो लोग भी ऐसे कंडीशन में हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टीम के द्वारा टीजीटी पीजीटी के कोर्स चलाए जा रहे हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके जिस भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं उस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है आपके सब्जेक्ट में वो है आपका हिंदी से, ठीक है। तो हिंदी वाले में एक चीज़ बात ध्यान रखिए, आपने अगर बीए में हिंदी पढ़ा है, ठीक है, अब वो आपने एटलीस्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, 2 ईयर, कुछ लोग कहेंगे नहीं 3 ईयर, नहीं, आप 2 साल अगर पढ़ते हो, ठीक है, हिंदी के साथ अगर आपने संस्कृत भी पढ़ा है तब तो ठीक है। अगर संस्कृत आपने नहीं पढ़ा है, समझ रहे, 2 साल एटलीस्ट आपका होना चाहिए कि 2 साल हिंदी पढ़े हो। अगर लास्ट ईयर में जाके आपने किसी को स्किप कर गया, मान लो लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में आपने संस्कृत छोड़ दिया और 2 साल हिंदी और संस्कृत के साथ कंटिन्यूस किए हो तभी भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने हिंदी के साथ कोई अदर सब्जेक्ट के साथ 2 साल पढ़ा है, आपने पूरे 3 सालों में संस्कृत नहीं पढ़ा है, तब आप अगर इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट है वो अगर आपने संस्कृत से दिया है उसमें आपका अगर संस्कृत सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी के लिए, समझ रहे हो। अगर आपका बीए में नहीं है संस्कृत हिंदी के साथ तब आपका इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। अगर इंटरमीडिएट में भी नहीं है और बीए में भी नहीं है तो आप हिंदी से अप्लाई नहीं कर सकते हो। और हिंदी कब तक चलेगा कि भैया हिंदी आप 2 साल कम से कम अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात आती है इंग्लिश से, तो बीए इंग्लिश लिटरेचर से जो लोग होंगे, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश लिटरेचर वाले जो बच्चे होंगे वो अगर 2 साल तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं, जैसे एक बच्चे ने फ़ोन करके पूछा था कि सर मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़ा था, लास्ट ईयर में मैंने इंग्लिश छोड़ दिया था, तो 2 साल उसने पढ़ा इंग्लिश, उसका मार्कशीट में साफ साफ था फ्रिक्शन और पोएट्री दोनों पढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है वो लिटरेचर ही पढ़ रहा था। तो लिटरेचर वाले बंदे अगर 2 साल तक आप कॉन्टिन्यूस इंग्लिश पढ़े हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और यहाँ पर आता है इंग्लिश लैंग्वेज वाले, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए कंपलसरी है कि आप 3 ईयर तक, 3 साल तक अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ा है, क्या 3 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए, 2 साल तक नहीं, 3 साल तक अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है तब आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लिटरेचर वाले बंदे अगर 2 साल तक भी पढ़े हैं और लास्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर को स्किप कर गए हैं, छोड़ दिए हैं, तभी भी वो टीजीटी इंग्लिश से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला जो कन्फ्यूज़न आपको बन रहा है मैथ और साइंस से बन रहा है। मैथ और साइंस से क्या है, मैथ वाले ग्रुप में जो पीसीएम वाला होता है और पीसीबी होता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर मान लो आपने बीएससी में फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है और मैथ लिया है, ये तीनों लिया है, और लास्ट ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में जाके आपने मैथ स्किप कर गया, ठीक है, आपका 2 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा, लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में जाके आपने मैथ स्किप कर गया, तो आप किससे फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने 2 साल तो मैथ पढ़ा, थर्ड ईयर में मैथ स्किप किया, मैथ टफ हो गया, तो आप मैथ से भी अप्लाई कर सकते हो और आप साइंस से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो पीसीएम वाला बच्चा मैथ लास्ट ईयर में स्किप कर रहता है, ठीक है, तो वो साइंस से भी फॉर्म भर सकता है और मैथ से भी फॉर्म भर सकता है। इस बात को क्लियर रखना, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहां पर आपने बाकी मैथ तो आप कॉन्टिन्यूस किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स
कोई छोड़ दिया, चाहे केमिस्ट्री विथ मैथ हो, तभी भी आपने 3 साल तक मैथ पढ़ा है तब तो आपके लिए एलिजिबल है ही है। लेकिन अगर 3 साल तक मैथ नहीं पढ़े भी हो, 2 साल पढ़े हो मिनिमम के, तभी भी आप मैथ से अप्लाई कर सकते हो। यही चीज़ें बीए के साथ आती है। अगर बीए मैथ से आपने किया है और मैथ से किया है, आपने 2 साल मैथ पढ़ा है, तो आप बीए मैथ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। बीए मैथ से आप अप्लाई कर सकते हो अगर 2 साल तक मैथ पढ़ा है और थर्ड ईयर में जाके आपने किसी कारणवश कि मैथ हार्ड पढ़ रहा है आपने स्किप कर गए, तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हो टीजीटी मैथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, टीजीटी मैथ के लिए आप एप्लीकेबल हो। ये ध्यान रखना कि जो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 साल पढ़ा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो 2 साल भी मैथ पढ़ा है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री लास्ट तक पढ़े हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है कि ये कि वो आपका मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो मैथ 2 साल पढ़े हैं तो, इस कम्बिनेशन के साथ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले वाले में साल में भी रहा हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दूसरे वाले में भी रहा हो और थर्ड ईयर में वो फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हो। ठीक है, तो वो बंदा, ये वाला बंदा, ये साइंस भी अप्लाई कर सकता है और मैथ भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और साइंस के लिए आपका क्या होना चाहिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पहले सेमेस्टर में पहले ईयर में पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने दूसरे ईयर में भी पढ़ा है, बाकी थर्ड कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर बायोलॉजी वाला भी बंदा है और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है पहले में भी और सेकेंड ईयर में भी और थर्ड में उसने बायोलॉजी स्किप कर दिया, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री रखा है, तो वो साइंस से अप्लाई कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। बायोलॉजी वाले केस में क्या है कि आप जूलॉजी और बॉटनी आपका सब्जेक्ट रहा हो बीएससी में, ठीक है, आप बीएससी में अगर जूलॉजी और बॉटनी आपका सब्जेक्ट रहा है 2 साल तक मिनिमम के 2 ईयर तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो किससे, टीजीटी बायोलॉजी से। किससे कर सकते हो, टीजीटी बायोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि किससे हम अप्लाई कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते, इंग्लिश लिटरेचर वाले, हिंदी वाले और यहाँ पर खासकर मैथ वाले और ये सब वाले। तो कुछ लोग कहते हैं कि बीटेक बीएससी वाले, तो ये भैया बीटेक वाले नहीं एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैक्सिमम जो मैंने सब्जेक्ट बताया इसी में लोगों को कन्फ्यूज़न है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बीएड कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखना, बीएड कंपलसरी, और आपका कोई भी अपीयरिंग नहीं चलेगा अगर आपके फॉर्म के लास्ट डेट तक, फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका सब कुछ ओके है, मतलब आपकी मार्कशीट लास्ट ईयर की भी आ चुकी है, तब आप अप्लाई कर सकते हो अगर ऐसा लगता है। ठीक है, कि आप लास्ट डेट तक आपके सब कुछ ओके, आपने बीएड कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।